हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि लास्ट सेशन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, तो आज के सेशन में भी वही कंटिन्यू करेंगे और आपके एग्जाम के को लेकर के जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी टॉपिक से या चैप्टर से बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कोई प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो किस प्रकार से आप उसका उत्तर लिखेंगे वो हम आज के सेशन में सीखेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चन देखे थे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उनका और फिर आज के सेशन के नए क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर के 1 ग्राम बनाएंगे, और दूसरा पार्ट है इसका, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनका मास कितना होगा और उन पर आवेश कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन का मास पता होता है कितना है, उसके आधार पर आप क्या बता देंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इतने ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप एक को क्या कर देंगे, वो जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻²⁻²⁸ ग्राम, इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे जो मिल करके 1 ग्राम बनाएंगे। ओके, सेकेंड पार्ट क्या था, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपको द्रव्यमान और आवेश पता करना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6.022 × 10⁻²⁰³ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम। तो हम एक का द्रव्यमान अगर 9.1 × 10⁻³⁻ है, तो ऐसे 6.022 × 10⁻³³ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा। तो 6.022 × 10⁻³³ से आप 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएगा, कि टोटल आपको कितना किलोग्राम होगा, 6.022 × 10⁻²³⁰ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना था, चार्ज कैलकुलेट करना था, तो वहां पर भी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, तो 6.022 × 10⁻²⁰³ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आप बता देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 9.65 × 10⁻⁴ कूलम हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। यहाँ पर आपको कुछ एटम्स बताए गए हैं और उन एटम्स में आपको बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बच्चे, आपको पता है कि जो ये सिंबल लिखा जाता है इसको आप कैसे लिखते हैं, जेड एक्स ए के फॉर्म में लिखते हैं, जहां जेड जो नीचे दिया गया होता है वो परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटोनों की संख्या होता है, जो ऊपर लिखा गया है उसको क्या माना जाता है, द्रव्यमान संख्या या एटॉमिक मास जिसे आप कहते हैं। ठीक है, बीच में आपको सिंबल दिया गया है एलिमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी पता है कि परमाणु का द्रव्यमान मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान संख्या जिसे आप कह रहे हैं, यानी कि नाभिक में जो जो पार्टिकल्स हैं उनकी कुल संख्या। तो नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो ऊपर लिखा गया है, जैसे 6C13 लिखा गया है, तो 13 क्या है आपका, द्रव्यमान संख्या है, जिसका मतलब क्या है, प्रोटॉन धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, 6 जो यहाँ पर लिखा गया है वो क्या है आपका, वो परमाणु का क्रमांक है यानी कि प्रोटोनों की संख्या। तो आपके पास द्रव्यमान संख्या है, प्रोटोनों की संख्या है, सभी में आपको निकालना क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या से आप प्रोटोनों की संख्या को माइनस कर लेते हैं तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को कैलकुलेट कर लिया था हमने। येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। ठीक है, वेव लेंथ लैम्डा 580 नैनोमीटर दिया गया है, फ्रीक्वेंसी न्यू आपको निकालनी है और वेव नंबर न्यू बार आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले से कर लेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्ध्य। ठीक है, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे, जो नैनोमीटर में आपको वेव लेंथ दी गई है उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, साथ ही वेव नंबर को आप कैलकुलेट कर लेंगे, किससे, 1/λ यानी 1/तरंग दैर्ध्य।
क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ NL और ML फॉर द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो आपको क्या क्या बताना है, आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बतानी है, L की, N की, L की और ML की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है. तो N की वैल्यू 3D में, यानी नंबर ऑफ शेल कौन सा है, तीसरे नंबर का है. डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस, क्योंकि आप 2, एल की वैल्यू 2 कह रहे हैं आप, तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से लेकर के +2 तक. तो -2, -1, 0, +1, +2. ठीक है, 5 वैल्यूज हो जाती है. उसी के आधार पर आप क्या बोलते हो कि डी की 5 ऑर्बिटल्स बनती हैं जिनमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन, डिड्यूस फर्स्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेकंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. ओके, क्या करना है आपको, एलिमेंट में आपको 29 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, यानी 29 इलेक्ट्रॉन है और 35 वहां पर न्यूट्रॉन है. पहला नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बताना है. तो आपको पता है उदासीन अवस्था में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वहां पर उपस्थित होते हैं. ठीक है, तो 29 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी आपके कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे. न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, 35 न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता वैसे है नहीं प्रश्न में, पर ये आपको सिर्फ बताया गया है. आपको दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो वो आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या से बना ले जाते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. ठीक है, तो आपको पता है कि जब 4s का और 3d का लगभग एनर्जी लेवल सेम हो जाता है, जब 3d9 ना होकर के 3d10 हो जाता है और 4s2 ना होकर के 4s1 हो जाता है. ठीक है, तो s से पहले d में ऑर्बिटल चला, d में आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है. नेक्स्ट है आपका, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीशीज H2+, H2 एंड O2+. ठीक है, तो इन सब में हमने देख लिया था, H2+ मतलब हाइड्रोजन के दो एटम, दो में दो इलेक्ट्रॉन, और वहां पर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो दो में से एक गया, एक ही बचा. H2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, H2 यानी कि दो हाइड्रोजन के परमाणु है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन. O2 पॉजिटिव में यानी कि दो ऑक्सीजन के दो परमाणु, एक परमाणु में आपका कितना आता है, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो में कितने हो जाएंगे, 16, और पॉजिटिव का साइन है, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 15 हो जाएगा. सेवेंथ आपका, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, दैट मींस नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, तीसरे नंबर की शेल है. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L एंड ML, तो L की वैल्यू क्या क्या होंगी, L की अलग अलग वैल्यू होंगी. तीसरी नंबर की शेल में आपके तीन प्रकार की सब शेल्स आती हैं, S भी आएगी, P भी आएगी और D भी आएगी आपकी. ठीक है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, और D के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है. एंड ML, ML की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर ML की वैल्यू आपकी, L जब 0 होगा तो ML 0 हो जाएगा, L जब 1 होगा तो ML की तीन वैल्यूज आएंगी, आपका -1 से लेकर के +1, -1, 0, +1. ठीक है, और L की वैल्यू जब 2 होगी तो ML की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 से लेकर के +2 तक, यानी -2 आपका -1, 0, +1, +2. ओके, ये हो जाएगा. सेकंड आपका है, लिस्ट द क्वांटम नंबर ML एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल. ठीक है, तो 3D ऑर्बिटल के लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2 हो जाएगी. ओके, ML की वैल्यू की बात करेंगे तो 3D के लिए ML की सेम 5 आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि क्या होंगी, -2 से लेकर के +2 तक. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, तो कौन कौन सी ऑर्बिटल आपकी पॉसिबल होंगी, 1p और 3f आपकी पॉसिबल नहीं है, दे आर नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल है 2s और 2p. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस, इनका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का 1s1 आ गया, Na पॉजिटिव का 1s2, 2s2, 2p6, O2 नेगेटिव का आपका 1s2, 2s2, 2p6 आ जाएगा, और F नेगेटिव का भी 1s2, 2s2, 2p6 आ जाएगा. ठीक है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 3s1, 3s1 Z इज इक्वल टू 11 होता है, उसमें सोडियम के लिए आता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो S वाली ऑर्बिटल में जा रहा होता है. ठीक है, और तीसरे नंबर की शेल का वो ऑर्बिटल होता है. 2p3 किसके लिए आता है, 2p3 से पहले ऑर्बिटल आती है आपकी 1s की और 2s की. ठीक है, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4, और 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए आपके p में जा रहे, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7, जिसका परमाणु क्रमांक है वो नाइट्रोजन है. 3d6 में भी आप यही देखते हैं, z इज इक्वल टू 26 हो जाएगा, ये आयरन होगा. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम 2s1, ये लिथियम के लिए होगा, नियॉन 3s2, 3p3, फॉस्फोरस, आर्गन 4s2, 3d1, स्कैंडियम. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, यूज एस पी एंड डी नोटेशंस, डिस्क्राइब क्वांटम नंबर, एन
इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू जीरो, तो ये कौन सा होगा? देखो एल की वैल्यू जीरो का मतलब एस वाली ऑर्बिटल होगी, ठीक है? एल का वैल्यू आपका वन का मतलब है पी की ऑर्बिटल होगी। एल का वैल्यू जीरो मतलब एस की ऑर्बिटल, एल का वैल्यू वन मतलब पी की ऑर्बिटल, एल का वैल्यू अगर दो है दैट मीन्स डी की ऑर्बिटल होगी, और एल का वैल्यू अगर थ्री है दैट मीन्स ये एफ की ऑर्बिटल होगी, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका ऑर्बिटल यानी सबशेल्स तो क्लियर हो जाएंगे, एस पी डी एफ में से कौन सी वाली है। एस पी डी एफ आप बता देंगे एल की वैल्यू से, और बाकी आप उसके आगे जो भी एन की वैल्यू होगी वो नंबर की वो सबशेल हो जाएगी, ये आप बता देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एन की वैल्यू पहले में क्या है, वन है, ठीक है? तो एस के आगे आप क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे, तो वन एस, ओके? दूसरा एन की वैल्यू फोर है तो फोर, और एल की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो एल की वैल्यू थ्री किसके लिए आती है, एफ के लिए, तो फोर है। एन की वैल्यू थ्री, एल की वैल्यू वन का मतलब क्या है, पी। एन की वैल्यू फोर, एल की वैल्यू टू, जिसका अर्थ क्या है, डी वाली सबसे, क्लियर है? और अगर आपको ऑर्बिटल दी गई है प्रॉपर की इस वाली सबशेल की ऑर्बिटल है, तो आप वहां से फिर क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला है 1s, दूसरा है 4f ऑर्बिटल, तीसरा है आपका c3p ऑर्बिटल, और d है आपका 4d ऑर्बिटल, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 4, ms इज इक्वल टू -1/2, ठीक है? तो ms स्पिन क्वांटम नंबर जिसे आप कहते हैं, -1/2 और +1/2 दो तरह से आपकी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में क्योंकि आपके दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दोनों का स्पिन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एक +1/2 में जाता है दूसरा -1/2 में जाता है, ऐसा आप पढ़ते हैं। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर पाए जा सकते हैं। एन इज इक्वल टू 4 यानी फोर्थ नंबर की जो शेल है, तो 2n² के फॉर्मूले से आप निकालते हैं, 2n² से आप निकाल लोगे, 2n² से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, ठीक है? 4 × 4 16, × 2 कितना हो जाएगा, 32, 2n² के फॉर्मूले से आपने निकाल लिया, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसमें से क्या होगा, 32 में से आधे इलेक्ट्रॉन आपके +1/2 में जाते हैं, आधे आपके -1/2 में जाते हैं, तो 32 का हाफ कर लोगे, तो आपके -1/2 वाले कौन, जिनका क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा वो कौन से होंगे, वो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं? और बाकी बचे हुए 16 किस में होंगे, वो +1/2 में होंगे, समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार किसी भी क्वांटम नंबर, अगर किसी के लिए भी आपने ms की वैल्यू निकालनी है किसी भी शेल के लिए, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस शेल में कितने होंगे, उसमें से आप क्या बोलते हो, उसमें से आप बोलते हैं कि इतने आधे इसमें से कहाँ जाएंगे, आपके हाफ +1/2 में जाएंगे और आधे आपके -1/2 में जाएंगे। ये सब आपने चैप्टर में पढ़ रखा है। बी है आपका n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, तीसरे नंबर की शेल है, और l इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि s वाली शेल होगी, ठीक है? कौन सी, 3s वाली शेल होगी, 3s वाली ऑर्बिटल होंगी आपकी, और s में आपकी दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक +1/2 में जाएगा दूसरा -1/2 में जाएगा, ओके? तो दो इलेक्ट्रॉन वहां पर आपके पाए जाते हैं। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? क्या पूछा जा रहा है कि एक ही ग्रुप में यानी एक ही वर्ग समूह में आने वाले जो तत्व होते हैं उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक समान क्यों है, ओके? द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम किसी भी वर्ग की बात करते हैं, उस वर्ग में आने वाले तत्वों की बात करते हैं, तो हम उनमें कुछ समानताएं देखते हैं, कुछ समानताओं की वजह से ही उनको एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है? जो कि सबसे बड़ी समानता है वो वैलेंसी की है, कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सबका वो समान है, यानी कि संयोजी कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो सभी के लिए, एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के लिए समान होता है। उसी के आधार पर उनके ज्यादातर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं, या आप क्या बोल सकते हो कि उन्हीं पर डिपेंड करता है, वैलेंसी पर ही डिपेंड कर रही है ज्यादातर वहां पर उनके गुण,
ओके इसीलिए क्या हो रहा है, क्योंकि वैलेंसी वहां पर सबकी समान है, तो उस वैलेंसी के आधार पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही हैं, समान हो रही हैं। ओके चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। ठीक है, यानी कि आप परमाणु की त्रिज्या और आयन की त्रिज्या से क्या समझते हैं ये बताना है। तो पहले हम बात करते हैं परमाणु की त्रिज्या की। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक रेडियस। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का जो आपका इलेक्ट्रॉन है, या आप क्या कहेंगे आउटर मोस्ट शेल से लेकर के और कहाँ तक की किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। इफ इट रेफर्स टू बोथ कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और अ मेटल। ठीक है, इसको कोवेलेंट और मेटेलिक रेडियस भी कहा जाता है, डिपेंड किस पे करता है कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ओके नेक्स्ट है आपका आयनिक रेडियस किसे कहा जाता है। तो द आयनिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो कैटायंस और आयंस के बीच में आयनिक क्रिस्टल में जो डिस्टेंस होगी उसको आयनिक रेडियाई कहा जाता है। वहीं पर आपका एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, जो भी आपका कोई सपोज ये कोई एटम है, इस एटम का नाभिक होगा और इस नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश जो होगी, ये नाभिक है और यहाँ ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको आपका क्या कहा जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई कहा जा रहा है। ओके और वहीं पर आयनिक रेडियाई किसे कहा जा रहा है, कि आयंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आयनिक रेडियाई कहा जा रहा है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। ठीक है, पहली बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहा जाता है, या सम इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है बच्चे, ऐसे एटम्स को कहा जाता है या ऐसे आयंस को, ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए हर एक परमाणु की, उदासीन परमाणु की बात करेंगे तो सब में लगभग अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, लेकिन जब वो आयंस डेवलप करते हैं तो किसी एक एटम और आयन के मध्य में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सकती है, और ऐसे ही स्पीशीज को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। पहला इसमें आपका फ्लोरीन निगेटिव, यानी फ्लोरीन ने आप एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो 9 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होते हैं, और एक और ले लेगा वो तो कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो ये किसके समान, सोडियम पॉजिटिव, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, सोडियम के पास कितने होते हैं, 11, उसने एक किसी को दे दिया तो उसके पास भी 10 हो जाएंगे, फ्लोरीन के पास 9 थे उसने एक और ले लिया तो उसके पास भी 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर, जैसे फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन निगेटिव के लिए क्या हो गया, सोडियम पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन निगेटिव में भी कितने होते हैं, 18, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव आयन बनाने का मतलब क्या है, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, 17 पहले से थे एक और आ गया तो कितने हो गए, 18। तो आर्गन किससे रिजेंबल करेगा, सीएल निगेटिव से, यानी कि आर्गन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, सीएल निगेटिव हो जाएगा। Mg2+ का क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 10 रह जाएंगे। ठीक है, सेम सोडियम में कितने होते हैं आपके, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किसी को एक दे देगा तो उस पर भी 10 रह जाएंगे। तो Mg2+ जो है उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सेम है रूबीडियम पॉजिटिव, इसके लिए होता है आपका Sr2 पॉजिटिव। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो इसी तरह और भी आपके कई आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन सकते हैं, एक ही जो तत्व है उसके लिए कई आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। हाउ वुड यू एक्सप्लेन, आप कैसे व्याख्या करेंगे द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सोडियम की वो कम होती है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम से बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम से अधिक होती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे सबसे पहले तो सोडियम का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे आपके। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इन बोथ केसेस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, अगर एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है यहाँ से। आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप जितनी एनर्जी दे रहे हो ओके वही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में काउंट होती है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो बाह्यतम कोश आपका कौन सा है, तीसरा है, तीसरे में ऑर्बिटल किसकी है, एस की है, तो एस से आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यानी 3 की जो ऑर्बिटल होगी या शेल होगी वो खत्म हो जाएगी। अब उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, आपका 1s2, 2s2, 2p6 रह जाएगा ये वाला। ठीक है, Mg प्लस की बात करेंगे तो Mg में आप 3s में दो इलेक्ट्रॉन थे आपके, ठीक है दो में से एक चला गया तो अभी एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया, लेकिन तब भी आपकी 3s की ऑर्बिटल यहाँ पर रहती है। ठीक है, आफ्टर द लॉस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम विल बी दिस एंड मैग्नीशियम विल बी दिस। ओके, हियर इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इनर्ट नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज वेरी स्टेबल एंड हेंस रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स मोर एनर्जी इन कंपेरिजन टू Mg। ओके, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि दोबारा जब इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या किया है, सोडियम ने 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नियॉन जो कि आपका इनर्ट गैस है उसके समान कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है, और अब अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे यानी 2p से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाइयर है देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, समझ रहे हैं। यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना इजी था क्योंकि 3s से आप निकाल रहे थे, ठीक है वहां पर वो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना इजी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कैसे हैं, 3s में आपके दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाना थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, फिर आप क्या कहते हैं, अब चूंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, नियॉन के समान उसने कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया है, चूंकि उसके पास अक्रिय गैस के समान विन्यास आ गया है तो अब इस अक्रिय गैस के समान विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन हटा पाना क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या है कि सोडियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसे कह रहे हैं, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, चलिए नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अमंग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज लिथियम की सबसे कम है, उसके बाद सोडियम की है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम की है, फिर रुबिडियम की है, फिर आपका सीजियम की है। ठीक है, वेयर एज दैट ऑफ ग्रुप 17 इज फ्लोरीन की सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की है, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, एक्सट्रीम। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, लिथियम में जब आप वर्ग में नीचे की तरफ जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन अगर ग्रुप 17 की बात करें आप तो वहां पर ऑर्डर उल्टा हो रहा है, यानी वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखा रहा है लेकिन उसके बाद आयोडीन तक जाते जाते रिएक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन लिथियम के केस में हमने क्या देखा कि लिथियम से सीजियम तक जाने पर रिएक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों में उल्टा हो रहा है, एक में आप कह रहे हो कि ग्रुप फर्स्ट में वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर रिएक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन वर्ग
17 में आप क्या कह रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर रिएक्टिविटी घट रही है, ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल एंड दस हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या होता है, वर्ग फर्स्ट, पहले वर्ग की आप बात करते हो जो लिथियम वाला है, उसमें आप क्या कहते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी एटम में होती है, तभी वो क्या करेगा, तभी वो स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा. द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन टर्न्स डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. ये आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा. यहाँ पर हो क्या रहा है, धीरे धीरे आकार बढ़ रहा है. लिथियम से सीजियम तक चलने पर हमें क्या दिखता है, आकार बढ़ता हुआ दिखता है और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूर जाता हुआ दिख रहा है. नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं ना. लिथियम की बात करें तो दो शेल हैं, सोडियम में आपकी तीन आ गई. तो इस प्रकार नंबर ऑफ शेल यानी कोशों की संख्या बढ़ रही है, तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, नाभिक का प्रभाव कम हो रहा है, इस वजह से एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे. सिंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स इनक्रीजेस. क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है ना. आप क्या कह रहे हो, आपका नाभिक से बाह्यतम कोश दूर जा रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घट रहा है, क्योंकि अब नाभिक का प्रभाव क्या हो गया है, कम हो गया है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर आ जाएगा. जब आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घट चुका है, घट रहा है धीरे धीरे, तो आप क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी अब इजीली आपका कोई भी एटम रिएक्ट कर सकता है. सिंस द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इंक्रीजेस इन सेम ऑर्डर. जहां पर आपने कहा लिथियम की सबसे कम रिएक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है. फिर सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ा कम हुई तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई. इस प्रकार से ये ऑर्डर चलता है. इन कॉन्ट्रास्ट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव वैलेंस शेल. जबकि अगर आप वर्ग 17 की बात करें तो उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है. Does have a strong tendency to accept one more electron to make stable configuration. अब वो 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा और वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बनाता है, ठीक है, एक स्थायी विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करेगा. इट इज लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का भी प्रभाव पड़ता है. जैसे कि आप कहते हैं चूंकि फ्लोरिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है. सिंस बोथ ऑफ देम डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्टिविटी फ्लोरिन से आगे चलने पर वर्ग में धीरे धीरे घट रही है, तो इसीलिए आप क्या कह रहे हो कि रिएक्टिविटी भी उसके साथ साथ क्या हो रही है, घट रही है. तो बस इतना आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्रुप फर्स्ट के केस में इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या दिखाई देती है, वहीं पर आप क्या कहते हैं, वर्ग में नीचे की तरफ चलने पर आकार भी बढ़ रहा है और साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटता जा रहा है, इस वजह से रिएक्टिविटी बढ़ रही है. वहीं पर वर्ग 17 में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही है वर्ग में नीचे की ओर चलने पर और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, तो इस वजह से रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे चलेंगे. तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जितने भी प्रश्न कराए गए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे. और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.